के तुल्य मेरे पिता के समान मेरे बुजुर्गण, मेरे आवाज को श्रवण करते हुए आज शक्ति इस पृथ्वी का श्रृंगार गंगा यमुना के समान पवित्रमय मेरी माता बहनाएं सभी का श्री चरणों में सर्वप्रथम सबसे पहले कुमारी लक्ष्मी सिंसनवार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत सत कोट नमामी नमस्कार राम राम साहब। पीछे बारो राम राम तो ले लियो साहब। भैया जी कलाकार बंधु आपके सामने बाबा साहब एक से बढ़कर एक है और प्रत्येक कलाकार अपनी अपनी कला बड़ी सुंदर अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता हुआ जा रहा है। लेकिन हमारे गुरुदेव हमारे ताऊ जी गोपाल जी आप सभी के समक्ष में बैठे मंच का संचालन कर रहे हैं। उनकी एक बात थी कि सुत चिकड़ी गाई जाए और नियम भी रखा था कि साखी जरूर सुनाई जाए। भैया जी साखी हम भी जरूर सुनाएंगे लेकिन बाबा साहब पहले गौर फरमाइए कि साखी के बोल क्या कह रहे हैं। भैया कैसे जी से नाम है किलकारी
शेर सिंह भगत जी रिठोटी निवासी दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी और ये 100 रुपए का पुरस्कार राजपाल जी बेंगोल निवासी दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी, लेकिन भैया कहा क्या कैसे है? We'll be right back.
झूठ समर के प्यारे और आंख मीच पीना चाहिए को। अरे है आफत का, है आफत का, है आफत का नाम जिंदगी रहसे असके जी ना चाहिए। अरे है आफत नाम जिंदगी असके जी ना। आज रानी द्रौपदी को पांचों पांडव दाव में लगा करके हार गए, अपना यश हारे, अपना वैभव हारे, अपने कीर्ति अपनी संपदा अपने आप को भी हार गए। लेकिन भैया जब रानी द्रौपदी को हार गए, आज दुर्योधन ने देखा, भैया जी दुर्योधन देख करके विचार कर रहा है, पांच को देके बीस को ले रही है, काम कर रही है। भैया जी सुनिए ना, आज बाबा साहब जैसे ही रानी द्रौपदी को हार गए, दुर्योधन ने एक सेवक को देखा, सेवक का नाम था प्राती सेवक। प्राती सेवक को देख करके विचार कर रहा है और सोच रहा है आखिर में करूं तो करूं क्या। आज प्राती सेवक के लिए आदेश दे दिया, आज्ञा दे दी रानी द्रौपदी को उस राज महल से निकाल करके इस राज दरबार में लेकर आओ। और ये 51 रुपए का पुरस्कार विजेंद्र सिंह जी रिठोटी निवासी आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी, लेकिन सजना आज जब इतने शब्दों को प्राप्ति सेवक ने सुना, चल दिया और भैया जी रानी द्रौपदी के पास पहुंच गया। और सुनिए आज रानी द्रौपदी से कह क्या रहा भैया जी से। और ले सब कुछ बैठे और हारो बने क्या, और ले सब कुछ बैठे और हारो बने और कुमार देह से बजा दो साहब। सुनिए भैया जी आज
द्रौपदी आज बाबा साहब हुआ क्या। रानी द्रौपदी ने जब सुना मुझे दांव पर लगाकर पांडव हार गए, तो भैया जी आज रानी द्रौपदी संदेशा दे देती है। प्राती सेवक राज दरबार में आकर मना कर देता है कि रानी द्रौपदी मेरे साथ नहीं आई। तब आज दुशासन के लिए आदेश दे रहा है दुर्योधन, और सुनिए भैया कैसे दे रहा है। और ले दुर्योधन ने दुशासन को और ले जी दियो। अब तो मैं यौवा गाऊंगी फिर गीत गाऊंगी, सुनो इशारों मत करो। और ले दुर्योधन ने दुशासन को और ये जिद्दियों सख्त आदेश